सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। तो अभी अभी कुछ घंटों पहले हनी पाजी क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ स्पॉट हुए हैं। जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो, इन्होंने कुछ ऐसी फोटो पोस्ट की है जिसमें हनी पाजी ने लिखा है माई फ्लाइंग पार्टनर सुपर स्वीट ब्रदर सुरेश रैना। मतलब ये दोनों लोग आज किसी फ्लाइट के अंदर मिले हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ टाइम से हनी पाजी ग्लोरी एल्बम और IV2 एल्बम को लेके दुबई के अंदर मौजूद हैं। सो हो सकता है कि वो अभी इंडिया वापस आ रहे हैं। वेल बात दुबई की हो ही रही है, तो क्या आपको पता है कि दुबई में हनी पाजी का घर कैसा है? वेल, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं हनी पाजी के घर की एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, हनी पाजी कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। उनके पास रॉयल्स रॉयस घोस्ट है, खतरनाक घर है, एक नंबर स्टूडियो है। सही खेल गया बेंच। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना से आ रही है। और न्यूज कुछ ऐसी है कि अपने जियान भाई बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि अभी अभी चाइना में एक बंदा गिरफ्तार हुआ है जो कि 4000 से भी ज्यादा फोन्स का यूज करके अपनी वीडियोस के ऊपर फेक व्यूज लिया करता था। सो ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि जियान भाई से भी लोग इंस्पिरेशन लिया करते हैं। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो खड़के ग्लासी सॉन्ग तो आप सबने सुना ही है, 2006 का ये ब्लॉकबस्टर गाना था। सो इसी सॉन्ग के सिंगर अशोक मस्ती का एक इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने हनी पाजी और जियान भाई को लेके कमबैक वाली चीज पे बहुत सारी बातें की है। आपको जरूर सुननी चाहिए। जर्नी देखिए, आपने हनी सिंह को तब से जानते हो जब हनी सिंह एक बिल्कुल आम लड़का और एक आम लड़के की तरह आपसे मिला, और वो स्टारडम जो बॉलीवुड लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का स्टारडम जो हनी सिंह ने देखा इस एरा के दौरान, दो बातें हैं कि एक, क्या आपको लगता था उस समय कि यार ये लड़का एकदम बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा? ये एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। जैसे उसने डिसिप्लिन तोड़ा 4-5 साल बाद, वो 5 साल इंडस्ट्री से गायब रहा, वो खुद बोलता है अपने आप बिल्कुल, तो उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री हिला के रख दी। कोई भी फिल्म, कोई भी गाना उसके बिना बनता ही नहीं था। उसके बाद और लोग आए, तो ये मुझे लगता है कि सीखने वाली बात इसमें ये है कि आपको अपने काम को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आपका एक गाना चल गया तो उसी टाइप का ही सब चलता रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेली चेंज हो रहे हैं, साउंड्स डेली चेंज हो रही है। बादशाह के साथ काम करना और हनी सिंह के काम करने के काम, क्योंकि दोनों अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट हैं, तो आपको दोनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस लगता है, और क्या लगता है कि एज अ पर्सन और एज अ आर्टिस्ट दोनों में क्या मूलभूत डिफरेंस है? हनी सिंह तो पागल है काम के लिए, वो पैशनेट होके काम कर रहा जो करता है, उसको यकीन होता है कि ये काम हो गई होगा। बादशाह के साथ मैंने एक ही गाना किया, हनी सिंह मोर ऑफ बीट का बीट वाला, बीट उसकी बीट सुन के आप बैठ नहीं सकते, बीट जो डिजाइन करता हो। लेकिन ये दो जो कलाकार, जो दो बड़े दिग्गज कलाकार की हम बात कर रहे हैं, हनी सिंह और बादशाह, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया की बात करो, यू नो टेलीविजन की बात करो, तो दोनों में कई बार खींचतान देखने को मिला, और एक कमबैक वर्ड बड़ा सुनने को मिलता है कि कमबैक नहीं हो रहा या कमबैक नहीं हो रहा। तो ये कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है कि उसका कमबैक नहीं हो रहा, और कौन कमबैक नहीं कर पा रहा, आज आप बता ही दो, क्योंकि आप दोनों को जानते हो और आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं होगा इस बताने के लिए ये कमबैक का चक्कर क्या है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जितनी हवा सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है उतनी बात होती नहीं, होती नहीं। मैंने जब जैसे आपको बताया कि इस इंडस्ट्री को बदलने वाला तो हनी सिंह ही है, वो तो हमेशा वही रहेगा, उसको कैसे आप चेंज कर देंगे? उसने जो गाड़ी स्टार्ट की थी, उसने जो जर्नी स्टार्ट की थी, उसने जो एक एरा स्टार्ट किया था, वो एक ट्रेन चल रही है, उसमें बड़े लोग बाद में चढ़े, सवारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं ना। बादशाह की तरफ से एक गाने के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना बादशाह में उसने, क्योंकि ये टीज बेसिकली ये यहाँ का स्टाइल नहीं है, ये अमेरिका का स्टाइल है। अमेरिकन रैपर आप में एक दूसरे को इस तरीके की गालियां भी देते हैं, टीज भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, है ना? तो ये हमारा स्टाइल है नहीं, हम सभ्य लोग हैं।
इसलिए हमें ये चीजें थोड़ी सी अखरती है, अखरती है, ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन म्यूजिक में अगर म्यूजिकली वो कुछ एक दूसरे को टीज करते भी हैं, बट आपस में उनका ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते या हेट नहीं करते, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि म्यूजिक वाला बंदा दूसरे उस म्यूजिक वाले बंदे को पसंद नहीं करेगा जो काम अच्छा करता है। तो आपको लगता है कि इनमें कुछ नहीं, ये थोड़ी सी ओवरहाइप्ड है, ओवरहाइप्ड है थोड़ी बहुत, मतलब कि आप देखिए कोई चीज अगर है भी तो वो उनकी अगर म्यूजिक उनकी उनका म्यूजिक राइज हो रहा है उस वजह से तो होने दो ना। अगर मान लो इसी कंपटीशन में अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, लोग अच्छा से, मैं तो इस तरीके से देखता हूं। सो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा के जाना, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।